हाँ जी बिल्कुल, शायकी ने फिल्म हो जाएं होशियार क्योंकि बड़े पर्दे पर है फिल्म आने को तैयार। अदाकारा महविश हयात की फिल्म लंदन नहीं जाऊंगा ईद उल अजहा पर रिलीज की जाएगी जो कि सिनेमा घरों की रौनक बढ़ाएगी। मजीद भी जानने की कोशिश करेंगे। मारूफ अदाकारा महविश हयात साहब इस वक्त हमारे हमरा मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो ये फरमा दीजिए, रंगा रंग प्रमोशन जारी है, ईद की भी आमद आमद है। मुझे तो लगता है कि ईद की तैयारी आप प्रमोशन के साथ मना रही हैं। मुझे भी ऐसे ही लग रहा है कि तैयारी और प्रमोशन सब कुछ साथ साथ चल रहा है। अब मैं यहाँ जैसे यहाँ पे आई हूँ तो मैं ईद के लिए ज्वेलरी भी यहीं से सोच रही हूँ ले लूँ। अच्छा ये बताएं कि यहाँ पे शायकीन से मिली, क्या रिस्पांस अभी तक आपने देखा? बहुत अच्छा रिस्पांस है, एवरीवन इज़ वेरी एक्साइटेड अबाउट द मूवी कमिंग आउट। सबको बहुत ज़्यादा खुशी भी है, उम्मीद भी है, एक्सपेक्टेशंस हैं और हमें यही उम्मीद है कि लोगों को पसंद आएगी। अच्छा बराह रास्त आप लोगों से मिल रही हैं, क्या आप कितने पुर उम्मीद नज़र आ रहे हैं आपको आवाम उल्लास? बहुत ज़्यादा, आई मीन कोविड की वजह से हम लोग बिल्कुल 2 साल 2.5 साल कोई इंटरेक्शन नहीं थी, कोई काम नहीं, इस तरह सिनेमा मूवीज़ नहीं आ रही थी। बट अब पिछली ईद से जो है वो फिल्में आना शुरू हुई हैं, हमारी फिल्म इस ईद पर आ रही है एंड आई थिंक ये बहुत ही ज़बरदस्त वक्त है जब वापस लोग सिनेमा घरों की तरफ रुख करेंगे। एंटरटेनमेंट हमारे यहाँ खाने और उसके अलावा ज़्यादा कुछ एंटरटेनमेंट के लिए चीज़ें नहीं होती, तो ये मूवी जो है ना वो गैप फिल करेगी ऑफ दैट एंटरटेनमेंट दैट वी ऑल नीड। इंशाल्लाह ईद की मुनासिबत से कोई पैगाम देना चाहेंगे शायकीन को? बस सबको एडवांस में ईद मुबारक और बहुत जल्द आप सब से मुलाकात होगी सिनेमा में लंदन नहीं जाऊँगा के थ्रू, तो ज़रूर आइए, फैमिली को लेकर आइए, फ्रेंड्स को लेकर आइए और एंजॉय कीजिए। बहुत शुक्रिया जी। मारूफ अदाकारा महविश हयात साहब इस वक्त हमारे हमरा मौजूद थी। फिल्म इनकी लंदन नहीं जाऊँगा ईद उल अजहा पर रिलीज़ की जाएगी जी।